कोई राह पिया जाने या वाह पिया जाने। गवर्नमेंट के मंजूर शुदा ठेकेदार चो एक ना अब्दुल कादर ठेकेदार का भी होया कि वह इतफाक नाल मैं ही हाँ। यदा यह मतलब नहीं कि मैं बचपन तो ही कोई राज मजदूर सर तो पहले मैं लेलिया का कारोबार करता सगो तो लेलिया का ट्रक भर के लिया के मंडी च खिला रहा गोश्त नाल रोटी खाण लगा तो विचों एक लेला भौंक पिया। मैं बाकी लेले चैक किए तो मैंने पता लगा मेरे नाल धोखा हो गया और मैनू किसी ने कुत्ते रंग करके देते डेढ़ लाख रुपये का नुकसान होया तो फिर मैं काम सीख लिया तो हूँ शुक्र कि मैं बेहतरीन ठेकेदार हाँ। यह घर भी मैं ही बनाया इस तो पहले दसो और मैं कला ही गल्ला करी जान दिया मैं क्या आशिक साहब तुम कितने रह गए शाका उठा लो अपना काका। ओ हुजूर मैं मकान की गल कर शाका के बीच कितने काका पा लिया मैं कह रहा आशिक साहब मैं फीता ला के हर थां मिणी है जी किधरे कोई फर्क नहीं जी निकलिया फर्क निकलिया ठेकेदारा ओ किथे जी फर्क साढ़े मुकदरा जी की मतलब मतलब हुण तेनु मतलब दसना पएगा दादा मैं कभी तेरे को मतलब कोई पुछया किस गल दा आ एडे क मुंह ते तू एडे सारे मुछा रखे मैं कभी पुछया कभी होर मतलब पुछया होए कोई तुसी मैनु आम समझ के ये गल कीती है अच्छा जबकि पाकिस्तान ते बेहतरीन अस्पताल मैं बनाए तू जनाब काम करा मरीजां दा खाना खाण वाला जा काम कर मेनू समझ ही कुछ नहीं रहे अच्छा हुजूर पाकिस्तान दे विच पहला पुल हां पहला पुल हाँ जी पहला पुल हाँ मैं ही बनाया जी अच्छा जो पहली बारी मैं पुल बनाया हाँ। तो इफ्तिताह कर रहा है मैडम नूरजहान को मैडम नूरजहान लो जी उस तो बाद उन्हें गाया कि सानू नहर वाले पुल से बुला के हाँ। ते आप माही माही भला उन्हें किनू किया किनू किया जनाब नू तेनू जनाब एयरपोर्ट ते पकाने बेचने वाले तेनू ठेकेदार दा पकाने नाल को वास्ता है अच्छा मैं तुहाडी गल दा मतलब नहीं समझ मतलब मेरे ए ठेकेदार हां जी कि मैं चाहना कि मेरी कमीशन क्लियर कर ठीक है तुसी मेरा बिल दवाओ ते अपनी कमीशन लवो मैं तो कोशिश कर रहा हां तुसी मलिक साहब और ना गल करो मैं जी मैं ओही गल कर रहा हां कि कमीशन मेरी क्लियर होनी चाहिए ठीक है आशकावे किदा टोर गए ये कौन है ए मलकानी है मलक दी बीवी अच्छा मलक आवे मलकानी आवे जी जी इनां दे सामने कमीशन दी गल नहीं करनी मैं कोई बच्चा मूह तो तेरा बच्चा वाला ही है इन्हें लोग कहना जी तुसी गल करो बिल तो आओ तो कमीशन लवो इन्हें लोगों को पता नहीं लगे सलाम चाची वालेकुम अस्सलाम अब तू आ गया जी जी मैं अभी मैंने तेरा ही इंतजार सी अच्छा जी खैरियत से भाई तेरे मुंह च बुरकी देख के चूहा फड़ना सी ओ ओ ठेकेदार जी आला मकान बना रहा अपना वी है ठेकेदार हां जी मैं ही मकान बनाया जी सारा अच्छा जी जी मैं दस ठेकेदार इस घर जो कोई काम बाकी रह गया कि नहीं नहीं जी सारा काम मुकम्मल हो गया बस उतले पोर्शन दा बाथरूम बन रहा है जी अच्छा ए 5 के दिन दा काम बाकी है 5 के दिन तानू बाहर ही बैठना पड़ना जी हैं नहीं नहीं मेरा नहीं नहीं, नहीं मेरा मतलब है टैलां लग गईयां ते फिर जिवें मर्जी पे करो ले अभी सियाने सच आखे है जी जी जिस घर च जिन ते राज वड़ जण कोई मुश्किल नाल ही निकलदे नहीं लो जी इस वारी राज निकल जाने जे जिन्ना दा मन पता कोई नहीं ए तुहाडी अपनी जिम्मेदारी है बाकी मेरे लायक खिदमत ते दसो ले भी आशका ए आशिक है तुहाडा ਵਿਆਹਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਮਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਲੱਥਿਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰਨ ਡਏ ਠੱਗਦਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ बंदे पै गए सी ए हुजूर बंदा ते कोई नजर नहीं आया
ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ठीक है सोलह साल बाहां ने सोलह साल पैर ने सोलह साल अखा ने सोलह साल मथा है ये रला के कोई चौंसठ साल बनते नहीं जी मेरा मतलब है वे हिरनी अर्गिया थोड़िया अखा ने चीते अर्गा लग के मोरनी अर्गी थी चाल है ये चिड़िया घर च होना चाहिए कन तेरे डिगण वाले हुए ने गलां तेरिया बिच बड़िया अखां तेरिया नजर नहीं आउंदियां तेनू तो हस्पताल जाना चाहिए चंद अर्गा तेरा मूह है तारे अर्गियां तेरिया अखां ने मथे अर्गा सिरे तेरा वो तेनू तो अल्लाह को होना चाहिए चवल जी ना आवे मथे अर्गा मलकाने जी मैं हुण इत्थे मौजूद हाँ मेरे लायक खिदमत दसो कि कमी पेशी ले भी ठेकेदारा राती पहली बारी इस घर च सुती आ ते सारी रात अल्लाह अल्लाह करती रही आ चलो ऐसे बहाने मुसलमान भी हो गए की बकवास करन दे नहीं मेरा मतलब है नवे घर च अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए बस होंगी जी सारी रात लेंटर देखदी रही आ क्यों जी वे गल सुने ना लेंटर च सरिया याद ना पाया सी ना किधरे काने दी छत ते नहीं सी पाती लो सुन लिया जी ऐडा मोटा सरिया रख के मैं सिर ते खलो के सारा लेंटर बनवाया जिसले मैं यकीन हो गया कि काम ठीक है उदो सरिया खिंच के ते फिर काने तुन्ने ने काने आला कदी लेंटर पे आई मैं कहना मेरे लो गारंटी है तुसी बेफिक्र होई अच्छा ते मैं कह रहा सी जी मलिक साहब नाल गल करो मेरा बिल है मैं काम शुरू करना जी कदरे भेज दिया मैं मलिक साहब ये 2,53,000 रुपया जी बचा लो इस पाकिस्तान नू बचा लो इस पाकिस्तान नू मैं कल्ला किन्ना क बचावा यानी एक ठेकेदार तो मैं भरा बन जा गल मेरी मतलब ये ठेकेदार हाँ जी के मलक आवे मलक आनी आवे कमीशन की गल नहीं करनी तुसी बेफिक्र हो जाओ इन्हां नू पता लगे कि मैं इन्हां नू किस हद तक लुट रहा ओए आशका मलक साहब दी आवाज मलक साहब और किथे मर गया ना मैं वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बनाउणा अच्छा जी जी ये सारा घर मैं ही बनाया मलिक साहब मैं दसण आया सा कि उदले पोर्शन दा थोड़ा जिहा काम बाकी है मलिक साहब साडी कंपनी ओह कंपनी है जिहड़ी सवेरे सवेरे कई ते दाबड़े फड़ के ते चौंकां च बैठी हुंदी एक गड्डी आवे सारी कंपनी ओनू ही चमड़ जांदी नहीं नहीं साडी कंपनी ओह कंपनी है जिहड़ी एमरजेंसी च ग्लूकोज लवा के पई हुंदी नहीं सर साड़ी कंपनी ओ कंपनी जिहड़ी टाइम ते चाबी देंदी है ए मैं तुहानू चाबी देण आया सा मैं चाबी अलग कढाउणा है नहीं नहीं उसने पोर्शन दी चाबी दी मैं कोई नहीं सर कोई लागे हिंदी की आ पैर में सुखा ली दे अभी अच्छा अच्छा मेरी जरा तबीयत मुकाबला वाली अच्छा अच्छा बड़े हसमुख ने मतलब आ मैं ते पिंड जी जी पंचायत च लतीवे सुना सुना के फैसले कर अच्छा लदे ने एक लतीवा सुनाना पै जी जी आज का भाई पुत्र तू मम्मी भाई चोर जी आहो भाई अब सारी जिंदगी बुए ची ते नहीं होना पैना भाई लतीनु लतीफा सुनावा अच्छा एक बंदे ने मकान किराए ते ले ले बंदे ने मकान किराए ते ले लिया अच्छा लो जी किराया ओ दवे ना 6 महीने लंग के किराएदार भी गोचर जी ओ किराया ही ना दवे अच्छा किराए ओके अगे हसने इथे नहीं हसना अगे भी हस लो जी मालिक मकान तपे ओ दे बूहे ते टुट गया जा के ओने लंबियां गाला कढ़ी अच्छा आंदा तू किराया नहीं दे के किराएदार भी कोच ओ आंदा ओ इदा कादा किराया है ते मकान ही निकल ना ले अच्छा
ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਕਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਗੋਚਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਥਰੂ ਸੁਣਦਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਖੋਚਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਸੀ ਚਮੜਾ ਦੇ ਚਮੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮੜੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਈਏ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀਸ ਨੇੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਤੀਫਾ ਮੁੱਕੇ? ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲਤੀਫਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ? ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਤੀਫਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਜਰਾ ਕੁਝ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਕੁਝ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ, ਭਈ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲੈ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਲਤੀਫਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤਰੀਫ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਸ ਪਾਗਲ ਜੋ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਆਹ ਤੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਲਤੀਫਾ। ਲਓ ਜੀ, ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ। ਆਹੋ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੁਣਾ। ਆਹ ਸੁਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ, ਹੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਨਾ ਫਿਰ? ਓਏ ਆਹੋ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ? ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੈ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਡਹਿ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਸੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਚਮਲਾ ਵੀ ਚਮਲਾ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਜੀ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲਤੀਫੇ ਚ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਹੈ ਚਮਲ ਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲੀ ਲੈ ਲੋ ਦਾ, ਲਤੀਫੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਲਤੀਫਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਲ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਜਾ, ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਲ ਲਤੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਲਤੀਫੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗਾਰਡਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ। ਲਤੀਫਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਚਮਲੇ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ, ਉਧਰ ਕਿਧਰ ਭਜਾ ਫਿਰਨਾ? ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸੋਫਾ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
बादशाह मर गया बच्चा भजा है ना चौधरी जी कहता बाबू सऊदी अरब का बादशाह मर गया लतीवियन गोली मार अंदर स्लेट ते बौकर फाड़े ते मार छुड़ी सोफे ते नहीं तेरे को बैठा जाता तेरे वर्गी चीजा तार ते बह लेंदी है उधर पर डिगदा फिरदा हद हो गई चुरू च नहीं हस पैदा हों चवले हासे वाली थां होंगी सिख सवेरे सवेरे घरों निकलिया सिख तेरे घरों निकलिया की तकलीफ सिख अज फिर तिलका उठो कमी हो ना मुरादो चवलो जी चौर जन बह के हसना भी भूल गए चवला शहर आ गए शहर जा रहे हो हूं तेरा समाया रात दिन ब दिन बद जाएगा मलिक साहब ये शहर ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਣਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਆ ਨਵਾਟੂ ਵਾਲੇ ਆ ਛਾਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਮਿੰਦਾ ਸੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਮਿਸ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਮਿਸ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਖਾਤਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ 17 ਦੀ शहर की कोई पार्टी तो बगैर नहीं होंगी ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਕਲ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਰਸਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵਾਲ ਦੇ ਓਏ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਉਣ
ਮਾਰੀ ਯਤੀਮ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾਈ ਉਹ ਲਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਪ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ
मेरे मगर ना टोर पाया। अच्छा मैं अके यो पिछे पिछे मैं फिर एक थां खलो ही गया। फिर कुड़िया खां निकल गई। बाबा खलोता होएगा ओदे सजे पासे डाकखाना। आया क्यों नहीं तू? अब मेरे दिमाग से निकल गया। मैं तारिया ने लैंड होना है मेरे दिमाग को। अस्के भाई अस्के अस्के भाई अस्के शहर आऊंगे ही तेरे दिमाग क्यों कटता? पकड़े शनाख्ती कार्ड वाले खाने जो तो नहीं कटता। ये पुराने इस्ते हैं नवे जो कलरंग दी गलती है मेरा कोई नहीं। काश हट तेरी माँ जिंदी होती उन्हें तो अनु इन हरकतों को रोक लेना है। उन्हें मैं दसता केनिया मनता मन के ने जतन करके जरा मुंडा ले आई शेर के मुंह च पां दियो फिर होएगा। मैं कहा ये ते हो जाएगा फिर मैं ते नाना होया। फिर किसी ने मैं क्या पूरी मज का दुध पियो ओ पीता मज नु कट्टा हो गया फिर ना होया। ऐसा खाना अंदर जाके अपनी नूह नु मिलो जाओ शाबाश अंदर मेरे को परौने आने वाले ए मोटा ओ नहीं जरा तेनू पुट के ले आया। पुट के ले आया मैं बन्ना बन के करना मन ये मेरा सेक्रेटरी हो गया। जाओ ओ नौकरा दस मान ले क्या नौकरा अंदर चलो। इथे आके मज नहीं रखी इथे शहर इथे मज नहीं रख दे दी बेटा कमजोर हो गए है तू की होया भाई। खूबसूरत लगती हो मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। शाबाश ये गंदियां गल्लां मैं ओदे नाल कर दी ते फिर उन्हें लोरी सुना देना। चूल्हा पहले ही पाट गए अल्लाह जान देनी उठ गो इतना कहो
ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਵਾਬੋਂ ਮੇ ਆਤੀ ਹੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਮਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਵਾਬੋਂ ਮੇ ਆਤੀ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਪਈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ आपने कभी मुंह धोया है सीमा बड़ा ये सीमा मेरी बस बात आ गई ये बात छोड़ा खुद अंदर आ गए आवाज जान करते रह गए क्या हो गया सारे जान अस्सलाम वालेकुम हुजूर अस्सलाम वालेकुम सीमा बिटिया आ जाओ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम आपको ये घर ढूंढने में ये कोठी ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं कोई खास परेशानी नहीं हुई हाँ। मगर कोठी आप लोगों ने बहुत खूबसूरत बनाई है भाई ये फोटो मैंने बनाई है मैं लानत भेजती हूँ तस्वीर बनाने वाले पर ਤਾਨੂੰ ਅਸਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਖੜੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਯਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਮਿਲਾਨੀ ਹੋ ਤੋ ਯੂ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੋ ਆਪਣੇ आपने कभी खुशबू वाली चिंगम खाई है मैं लालच भेजती हूँ चिंगम पर तुसी कभी मकई की रोटी उत्ते शामी रख के खादा मेरा ऐसे तजर्बाती खाने लड़कपन में खाया करते थे जब लौंडे हुआ करते थे जवानी में अब तो मैदा खराब जाता है याद करते हैं दरअसल मरक भैया हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं हमने घर से निकलते ही सोच लिया था क्या आपने मरी की सैर करते हुए बर्फ पर से तिल की है कभी मैं लानत भेजती हूँ तिलकने पर तुसी कभी कब्रिस्तान से जाके जुआ खेले ये हम एक नस्तालीक किस्म के ध्यान से ताल्लुक रखते हैं ऐसे फजूल शौक हम नहीं पालते हमारे शौक रईसों नवाबों जैसे हैं मतलब मियां हुआ यूं कि जब हम घर से चले तो हमने सोचा कि जैसे पहुंचेंगे मलक मियां को ये बताएंगे कि हर मोड़ पे डर जाते हो आप डरा जाते हो तुम मैं तो आपके साथ हूँ आपने कभी आसमानी पंगूड़े पे बैठ के चीखे मारी है मैं लानत भेजती हूँ आसमानी पंगूड़े पे बैठ के चीखे मारने वाले का तुसी कभी खोते को ना दलता खादा आपने कभी ठंडे होटल में जाके रोटी पे गंडा रख के खाया कर रही है अपना मैं लानत भेजती हूँ ठंडे होटल पर तुसी कभी पल्ले और रोटी खादी है सच कहा था किसी ने तुम बकवास करने वाली मशीन हो
میں بزرگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں جی. آپ کا اس کے علاوہ اور کیا بزنس ہے؟ ایک تو یہ لانتے لونتے بیچتی ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مال چکایا ہوا؟ موت کے لیے بزنس مرگ میاں، اب بقیہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں. کہ روم دے بورے دے پہ آئے ہوئی. میں تقریباً تمام فرائض سے سمردوش ہو چکا ہوں جی. بس ایک بیٹی کا فرض سر پہ ہے، انشاءاللہ اس سے بھی جلد فارغ ہو جاؤں گا جی. میری کچھ نئی زمینیں جب شہری ہو چکی ہے، میں اس پہ ایک ایسی بستی قائم کرنا چاہتا ہوں جس پر ایسے بوڑھے اور بزرگوں کو عزت و احترام سے رکھا جائے. ساڈا مطلب ایک ادارہ بنا رہے ہو جتھے بابے اکٹھے کر کے تے کھنگ دا ٹورنامنٹ کرایا جائے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کیئر سینٹر. اچھا اچھا اچھا، کیڑا سینٹر جی؟ جی بزرگوں کے لیے کیئر سینٹر. اچھا اچھا سینٹر سینٹر، ہاں ہاں. تو اس ادارے کے چیئرمین آپ ہوں گے؟ بالکل نہیں جی، چلنا ہے ادارہ. میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کی معاملت کے لیے میری بیٹی سیما آپ کے ساتھ ہوگی. لو جی پھر ادارہ بڑا چلنا جی، جی نہ لانت نہ پائی ادارے دے تو بڑا چلنا جی. صاحب آپ کا فون ہے، میرا فون یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا فون یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہم آئے ہوئے. آپ تو چپ کر ہو جائے، رکھ لیا ہے. نہیں جی ہماری کچھ عادت ہی ایسی ہے. لو جی میرے نہ بڑی عادت ملتی ہے، میں بھی بڑا چکم پوچھ رہتا ہوں. ہاں کیوں نہیں، جب سے ہم آئے ہیں آپ کو ہم خاموش ہی دیکھ رہے ہیں. جی اصل میں میرے کوئی اچھی پارٹی آ جائے تو بات تو کرنی پڑتی ہے. جی 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 جی، آپ کے والد صاحب آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے. جی ہاں جی. آپ کو کیسا کھانا پسند ہے؟ یعنی آئیڈیل؟ ہاں جی تھوڑا سا ادھر ہٹے. لیلا لینا ہڈی والے بوٹ نہ کسر نکل سکتی. آپ سے تھوڑا سا ہیلدی اور چہرہ تھوڑا سا چھوٹا. یہ نہیں یہ وہ اچھا سچا نیک کھرا اور مخلص بندہ مجھے چاہیے. یہ نہیں جو کوئی خوبی میرے اس نہیں ہے. میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جی کہ میں آپ مجھے پتا چلا تھا موسیقی سے بڑا پیار کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میں بڑی اچھی ہیل گاتا ہوں جی. پنڈ میں مقابلہ ہوتا تھا، سارے کپ میں ہی کھڑتا تھا. اتنے بابے چاہ پینڈ ہوں ہر میں انہوں نے کپ بھی لے جاتا ہوں. میں نے آپ کو بتانا ہے دل کا کمرہ خالی ہے. اس کمرے چ سیمنٹ دیاں بوریاں رکھا تے باہر ریت لوا لا. وہ یار دل تے تنگ نے، جگہ بڑی ہے. وہ کوٹھی اسی بنائی ہے تے رنگ بھی اسی کرانگے جناب، سونے سونے رنگ کرانگے بیڈ روم وچ تے پھکے پھکے کرانگے باتھ روم وچ. وہ تو میری اُدھے نال گل کرا، میرا نمبر دے اُنوں. میں کہ جی تہاڈے کولوں پینسل ہے. میں لعنت بھیجتی ہوں پینسل مانگنے والے پر. پہلی دفعہ مجھے لعنت اچھی لگی. میں آپ کو بتا رہا تھا دل کا کمرہ خالی ہے. یہ میری بھوپھی لگتی ہے جناب. میرا شاگرد کتنے مر گئی؟ اے شاگرد السلام علیکم. اج رل کے گزاراں گے رات.
ਦਿਨ ਨਾ ਚੜੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ जन्नत खोलो एडा मनहूस आदमी है जदों इहदा विआह होया ना लोकां पहले इहदी बुढ़ी नूं प्रैक्टिस कराई उहनूं अद्धी राती कल्ली नूं कब्रिस्तान भेज छड़न जिस दिन मंगनी हुई उन्हें उसे दिन ही काले रंग का कुत्ता ला देता ताकि काले रंग च मिक्स हो जाए मरे ये उस्ताद है हमारे जनाब तानू की पता है उस्ताद ए शगीर्द ने मेरी बड़ी निश्ती कराई हो साइकिल ते बैठ के पेट्रोल पंप ते जाके कहंदे जी इहनूं फुल कर दिओ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को तेरे लवे मोर है ही ना मुराद बच्चा अपने प्यो दे जनाजे ते मार खा ली प्यो दी मैयत ते पैर रख के नकली पिस्तौल पा के फोटो लवा दिया सी मक्खियां नूं वड्डिया करके वेचण आलिया ओए जुबान ओए जुबान नाल मच्छर फड़न आले गाना ही ओए गाना ही ओ चुड़ैलां नूं ट्यूशन पढ़ाउण आलिया सारी इतला हमें गलत मिली है साडे के ते मुअम्मर राणा खलोता है ना जिवें मरे ए गाना ही पुत्र है
ਚੋਲਾ ਆਪੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਨੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਓਏ ਚੱਕਰਮ ਰਾਸੀਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੀ ਟਾਵਾਂ ਸੜਕੋਂ ਗਾਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਸਲਾਬ ਚੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਏਡੀ ਮਲਕ ਮਲਕ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਰਾਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹਲਾ ਹਲਾ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਮਰਾਸੀ ਹਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਆ ਤੇ ਕਠਾ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਬਖਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਜਾ ਜਦ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲਾਲ ਜੀਆ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲਾਣ ਦਿਓ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਵਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਵਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬੜੀਆਂ ਚੂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣੇ ਚ ਨੀ ਆਉਣੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨੇ ਲਾਲ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਖਾ ਲਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਤਵਾ ਚਵਲ ਨਾਮ ਚਵਲ
ਘਟੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚਵਲ ਆ ਮਰੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਚਮਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰੂ ਫੇਰੂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕਹਿ ਕੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਗ ਜਾਣੇ ਵੇ ਡੋਲਣਾ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਏ ਯਾਰ ਓਏ ਕਲੇ ਕੁੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੋ ਘੰਟੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਮਲੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਕਰੀਏ ਓ ਟਨ 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 ਇਹ ਕਹੋ ਟਨ 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 ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੱਕ ਤਾਂ ਆਇਓ ਟਨ ਟਨ ਆਇਓ ਲਾਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਸੁਣਾਓ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਮਾਸ਼ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਓਏ ਓ ਲਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈ ਹੋਈ ਗਾਓ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ
चांद जब रात से घबराता है तो मेरे आंगन में उतर आता है। शहर की बात मत करो, आदमी तो शहद से मर जाता है, दौड़ पे दौड़ पे दौड़ पे। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं तो तजर्बे वाले मिलने में उसे लाने बनाया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तुझे बदल दे। क्यों बुलाया मुझे? क्या मुड़ खेलना थे? क्या तुम्हें इल्म नहीं क्यों बुलाया तुम्हें? I don't know. क्या पहले किसी को लूटा नहीं हम दोनों ने? जहां एक मलक है उसको लूटना है। मलक? हाँ। कौन मलक? घबराने वाली बात नहीं है, पेंडू है पेंडू। अच्छा, पेंडू तो तेन देखेगा थुड़क के जा पाएगा। पेंडू के बेचारे छे छे मील सैकड़ा से बह के खुसरे ने मुझे निकला। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना है? 50 लाख की पॉलिसी लेनी है। 50 लाख की पॉलिसी? हाँ। मगर मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में नहीं हूँ। तो एजेंट बन जाओ ना। तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, नया रूप धारना? एजेंट बन जाओ। 50 लाख की बात है। 50 लाख 50 लाख वेरी गुड। 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा माना? 50 लाख मिलेगा। आप मंगावांगे नाल कच्ची लस्सी बनावांगे। पंजा लाख मिलेगा मानव, रोज 30 रुपए घंटे मोटरसाइकिल किराए से लावा मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? 5-6 रंग के डोरा लगाऊंगा 50 लाख। ओ ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। नाइस। जब तक तुम चाहोगे हाँ। मलिक को बेवकूफ बनाने में मैं तुम्हारा साथ देती रहूंगी। वेरी गुड, इसका मतलब तुम मुझे साथ दोगी? हाँ। वादा? पक्का वादा। कवर का आर्डर दे यार, वो मारता ही मलक नु, मलक नहीं ही मारता, मारता ही मलक। आप ये दुबई सड़कों के ठेके ठोके लेते हैं? जी हाँ। मैं सदके जाऊँ। ठेकियां तो अलावा और भी बड़े काम करते ने? कर सकते ने जी, कर सकते। माशाल्लाह जिड्डी सोहनी ते तगड़ी है, जिड़ा मर्जी काम करे। ये तो दही ला लवे ते 40 कूडे रोज कटे मार। आप ये ठेकों के अलावा और क्या होता है काम आपका? जी मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये मॉडलिंग क्या होती है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह रहमत करे। वाह वाह वाह, ओ हाय हाय, बहुत पैसे पूरे करते हैं। मलक ते 12 महीने वाली टिकट लै गई, ये सीन लेंदा रहा। आहा, ये मॉडलिंग है ये सारी? और दुपट्टे सिखाउण नहीं है? आपने कभी अल्लाह मैंने मर गया
मालक ने चक्कर चार छटे नहीं है। ये सारी मॉडलिंग है ये। हाँ जी, ये वैसे होती क्या है, ये तो बंदा मरने वाला हो जाता है। मशहूरियां दी फिल्म आप हला हला मशहूरी मिशन आदमी में क्या इथे ओ जदों पांच चार कुकड़ खा के कहंदी है लाहौर परोस्त। हला 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 ए जो कुकड़ा वाले है ये। वाह 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 ने जी सोणी है, केड़े केड़ी मरी मशहूरी जान के इन्हें ही आना मजूरी है, जोर तेनू पा के मजूरी साल लेना पड़ी। हाँ तुम्हारी मजूरियां आप कहाँ कर चुकी है। जी मलिक साहब, ये मॉडलिंग के सिलसिले में मैं कुछ दिनों पहले फ्रांस गई थी। फ्रांस 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 तो मलिक साहब इन्ना जाते ने, इन्ना जाते फ्रांस, ये तो फ्रांस वालों अगे ना जाते। अच्छा हाँ, फिर स्कूटी वाले फड़ के लाते ने आ फ्रांस। स्पेन तीन चार जनानियां बैठिया होनिया, मैं सारा यूरोप भरिया हुंदा ही। मैं आप कितनी देर के लिए फ्रांस गई थी। जी मैं गई तो एक दो दिन के लिए थी, मगर वहाँ जाते ही मलका से दोस्ती हो गई। मलका दोस्ती मैनू मार छड़िया, कदी मुर्ग छोले कदी मुर्ग लीम, बड़ी खिदमत की मानना ओदा पीठ पीछे आया, बड़ा चंगा बंदा, लारी अड्डे तक छड़न आया मेरे। जी मैं एक शेख साहब है, मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। लाई शेख कितनी को फीस देता होने, वो थे को कह छड़ दा होने बड़े हाजी उड़ी आन के दे दे दी होंगे सभी की निकाल ले। नहीं जी, हां जी वो अरबी शेख है। हला ओ बड़ी फीस दे देनी होए, वो थे सुनया मस्कीन अस्तानियां नाल मकान भी बनवा रहे। आ जरा जीन का मुंडा जाल आया हस्पताल, शेरा बनाई अरबिया ने, आहो जिथे स्टैंड आलिया तीन जुतियां मारिया ने अरबिया बनाया ही। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इसलिए वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो करनी जनाब तुम है ये इस काबिल मलक दाखिल है, मलक नहीं डकिया जाता मान। प्लीज मलक साहब आप मेरी तारीफ मत कीजिएगा, क्योंकि इस लफ्ज से मुझे सब चिढ़ है। हेलो मेरे यहाँ साहब एक बार छोटी छोटी गाला कटे कुत्ता कमीना जली बड़ी गाल नहीं करता, कहते मैं पाटा तोड़ दिता। बड़े मजे आने पिंड जिते मान लगे मजे पिंड आने वैसे मजे तो शहर च भी आने चाहे मलाया ला दे। मलिक साहब आप बहुत शरारती हैं, मुझे पता लग गया। उसको तो पता लग गया, वो आंदी है तुम बड़े शरारती है। कोई नहीं कोई नहीं, कहो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कह दियो कह दियो, देखिए ये थी नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इन्हें क्या मान,
ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ जी कह दे तुम बहुत खूबसूरत हो। कह दो तुम बहुत खूबसूरत हो जी। हाँ जी का जी जी हाँ जी जाए ओके। हम कहो तुम मेरे ख्वाबों में आती हो। ए हाँ कर वो अकल कारे डे बन जाए तो मैं सोंदा ही नहीं की करने कल को रात ही मैंने दी कार्ड मार को तुम मेरी ख्वाबों में आती हो। ये क्या पता मैंने तो अच्छे मीठी होती है खुद ही आ जाती हो। खुश हो जू खुश हो जू कहो। तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है। तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है। कहाँ से मिली? अल्लाह चोरी को आती हूँ मैं चमड़े हो गल करके देखो वो चुप कर के कहो। अखबार तो मिली अखबार चो अखबार चो नहीं अखबार चो मैं एक दोनों रोटियां लैन के आऊ जी। उसने रोटियां लपेट के दी मैंने कारा के खोली उसे इनकी रोटी थले इधर मुंह तुआडा। मैं हैरान हो गया मैंने कहा देखो रोटी पक भी गई है तो नीचे पेड़ा उसी तरह पड़ा है। हाँ तो आप तारीफ की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ये जमशेद साहब भी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। जमशेद कौन? ये आपके हमसाए। वो दवा करो चमल गया बंदा उसकी कड़ी कर ले धुआना चिटा भी निकला खंड पा के सारा मुखाउंदा। मगर वो मेरे साथ तो बहुत फ्रेंडली है थी। और उन्होंने तो मेरे से 35 लाख रुपए की पॉलिसी भी ले रखी है। 35 लाख वो छोटी मोटी पॉलिसी साढ़े मलक साहब भी ले लेंगे ना ते मगर फायदा की है हजारा फायदे मलक साहब मैं दसांगा बड़े फायदे। मलक साहब हमारे मुल्क में जितना बड़ा आदमी और उसके पास जितनी बड़ी पॉलिसी हो उसे उतना ही बड़ा समझा जाता है। अच्छा जी जी तो कितने लाख की लगी उन्होंने पॉलिसी? 35 लाख की। 17 दी लेंगे एडी केडी गल है हौसला आने लगे ते पहले कितने पैसे देने नहीं। पहला प्रीमियम सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख मंगण लई 2 लाख दो लाख की समझ मलक साहब अकल कर को मैं मजदूरियां कर कर मर गए हैं 2 लाख रुपया सब 2 लाख तक 2 लाख नहीं मलक साहब ना सवेरे सवेरे लोगों ने मुसवाका लग दे लाड़ते तेरे ते 2 लाख दिया मुसवाका लोग की दंदा दे छतीरियां फेर देने 2 लाख तेरे की बादशाह अकल वाली गल 2 लाख वेरी गुड। हाँ जी हाँ तो मलिक साहब जी जी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए आपके आईडी कार्ड की जरूरत है। वो आंधी आई जी की जरूरत है। शनाख्ती कार्ड तो मलिक साहब तीन ने तीन बनाए ने एक उम्र लिखाई है 65 साल एक तो लिखाई है उम्र 36 साल हूं बनाया ना वो तो लिखाई है 19 साल होना ही सही बने पहले तो गलती बनते रहे हूं सही बने उम्र भी 19 साल लिखाई है मुंह भी छोटा कराया। तो आप मुझे दफ्तर का पता बताएं मैं कार्ड लेके दफ्तर को छोड़े ना प्लीज वारिस का नाम बताइए। दो महीना हो नहीं होते वारसी नहीं आप समझे नहीं भाई मेरा मतलब है कि खुदा ना खासा आपके बाद बिना कुमार ना ये इन्हें तो बाद मेरा लिखो आप मेरी बात नहीं समझ रहे मेरा मतलब है कि आपके बच्चे बच्चे तो मेरा लिखो ना बच्चे मेरा लिखो वो मेरे बच्चे पूछन दे तो 14 बच्चे लिखो आउंदे ये चौकी होना ही चौक छोटा काला बांदर उन्हें चौक कही मैं बच्चों का तो बंदोबस्त हो रहा है मलिक साहब बच्चे चलो तुम दूसरा ब्याह करोगे ना दूसरा ब्याह के देना डर इंतखाब करना तो आपका काम है। हेलो जी चलो मेरे इधर ये तो केड़ा तो लेके आया और की हो सकता और जी आपका आईडी कार्ड वो मैं हमने फोटो कॉपी करा के लावा ये रात देर ना लावी कितने लिया दूरों करा के लिया दूरों कितों सियालकोट करा लिया था ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਪਿਸ਼ੌਰ ਟੁਰ ਜਾ ਉਥੋਂ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਲੈਦਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੌਰੀ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੌਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਕੌਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਤਗੜੇ ਗੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਲਾਲ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਾਲੇ ਟਾਪ ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 94 12 118
ਇਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਮੜਾ ਦੇ ਚਮੜਾ ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी मालिक साहब, ये दिल एक बच्चे की मानद होता है, जो देखता है वही मांगता है। लो जी मेरा दिल जे मेरे को बड़ा ही चवल गया बच्चा जी, हर शय मंगी जाता मान। मैं क्या जी एक गल मैंने सही सही दसना, मेरा हाथ ताडे सिर ते ही पूछिए, झूठ ना बोलना। आपने इससे पहले कभी शादी की है? वालदेन की मर्जी से या आप अपनी मर्जी से या अगवा हो गए हो या कोई गुरबत की वजह तो को बिजली का बिल याद आ गया हो कि अमीर आदमी ने बिल तारन का झांसा दे के शादी कर ली हो, कोई ऐसी बात जी नहीं। आ हाथ थले निकल के क्या मैं नहीं मानना, मैं टकरा मारा मैं मानना ही नहीं। जो खुद को हारना जानता हो। आपको खामद कैसा पसंद है? जी मैं तो चाहती हूँ मेरे होने वाले शौहर लंबे चौड़े हो, हैंडसम खूबसूरत हो, अच्छा सजाद अली की तरह गाते हो। मैं बहुत अच्छी हीर गाता हूँ और गोविंदे की तरह नाचते हैं। डांस तो मुझे है, बड़ा डांस करता हूँ। देखिए मालिक साहब, अभी आप गांव से आए, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। मैं इंशाल्लाह सीख लूंगा आप फिक्र, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। ओके खुदा, जाते जाते एक दफा जरा पीछे मुड़ के जरूर देख लो। किन्ने क्या ही जंग लगी ये बॉर्डर पे बहुत हो, मैनू की पता एटी बमबारी हो गई। चलो हमने नहीं फोन कराना, चलो जी कौन जनानी टेलीफोन करने आई नाल दे दी करो आई। चलो चलो खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज, बाय। एहो जी औरतां नहीं करवाड़ी दिया, ओ टेलीफोन करने आई है। ओ फुफी तेरी दी थी ना आमना, ओनू रही में के तलाक देने लगे। आती दियो पागल, ओनू तलाक ही होनी है और की होना है। खानदान दा को बंदा पागल होवे ओनू बाहर कढ गई था, जेनू तलाक हो गई पूरे खानदान दी नक कटी कर। जाओ पिंड जाके खानदान दी नक ते हाथ रख लो। तू पंचायत नहीं बना, ओ बुजुर्गां दा काम नहीं, जाओ मैं नहीं जाना। मैं कल्ला जा रिया है, तैनू मैं दस देवा। आखिर मलक कदों काबू आएगा, मैं संगत पिंडू मलक। यही बताया हुआ है, उसको बताया कि बीमा कराया 60 लाख का। वेरी गुड, मैं तो साइन करवा लूंगा इस पे, लेकिन तुम्हें भी अपना वादा याद है या नहीं? कौन सा वादा? तुमने कहा था ये आखिरी वारदात है, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। क्या क्या बैरी हो गई हो तुम? क्या सुनने में शक्ति नहीं रही तुमने? क्या मंदिर के पीछे जाना छोड़ दिया तुमने? क्या हो गया तुम्हें पारो, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने कहा था हम शादी कर लेंगे इस वारदात के बाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तुमसे शादी करूंगी? क्यों मैंने थोड़े नहीं रहने? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है गौर से? शहनाज क्या देख रहे हो मेरी तरफ? शहनाज आईने में अपनी शक्ल देखना, तुमसे खूबसूरत मेरी जूती है। शहनाज शहनाज ये क्या कह रहा तुम? शहनाज ये सुनने से पहले तूफान क्यों ना आया, आंधी क्यों ना आई, बारिश क्यों ना पड़ी, कोठे में बिस्तरे क्यों ना पिट गए? क्या कह रही है तुम शहनाज, क्या कह रही हूँ मैं? भूल गई तुम अपने आप को, साथ साथ मुझे भी। तुम्हें याद कब रखा था मैंने? मुझे तो याद नहीं रखा तुमने, लेकिन अपना माजी तो कम से कम याद रखो। यतीम खाने से उठा के लाया तुम्हें मैं, खाली फीडर हाथ में पकड़ कर आई थी, खाली फीडर। मैंने उसमें 2.5 रुपए का दूध डलवाया, मैंने सारे एहसान भूल गए, एहसान फरामोश। वो कहां स्टाम्प फरोश, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? नहीं याद करो वो तूफानी रात, वो अंधेरी रात
जब लाइट चली गई थी। लाइट गई थी ना तो मैं मोमबत्तियां ढूंढ के लाया तुम्हारे लिए। मैं इतने इतने पानी में सारे एहसान भूल गई तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? क्यों छोटी छोटी बातें कर रहे हो तुम? तुमने कहा था शादी करेंगे हम। नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी। क्यों? देखो आशिक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुन रहा हूँ। मलक को बेवकूफ बनाना है ना, उसे साइन करवाने। साइन तो करवा लूंगा मैं। साइन उसके करवा के जेदार सारी अपने नाम लगवा लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वाकई? हाँ। फिर कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगी? नहीं। शादी करूंगी उससे? हाँ। ना शादी शादी होगी। शादी जोड़ी वे के लोग गला करेंगे मुंह जोड़ जोड़ के। क्या करेंगे? लो जी तू चुप ठहर जा, टांगे वाला ठहर जा। अखबार वाले का प्रोग्राम तू जाओ। शादी जोड़ी वे के लोग गला करेंगे। क्या करेंगे? लो जी ये कुड़ी चन वर्गी है ते मुंडा भी लादा मिल रही। साड़ी जोड़ी हिट हो जाएगी। साड़ी जोड़ी तुम्हारा रिवाज पहनेगा, फैशन हो जाएगा। काला मुंडा ते गोरी कुड़ी फैशन हो जाएगा। हाँ तो तुम मुझसे शादी करोगी? सही कह रही हो? हाँ। इसका मतलब तुम मेरी बीवी हो? हूँ। तुम मेरी बीवी हो? हूँ बाबा। तुम मेरी बीवी हो? हो। तुम बाजी हो मेरी? हो। और तेनू क्या सी गैर कुड़ी इतने ना बैठे फिर ला के बैठा? कितने कुड़ी? आ कुड़ी कौन है? वो तो मुंडा। मैं आप देखे आ कुड़ी है? चौधरी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बार कौन है? गलां सुना रहे हो? छी लिया जे कौन है ते सुनो फिरे कौन है? एक बेवा है, बेवा है, बेवा है। बेवा है? हाँ। एदा खामद एक पायलट सी, एदे दुखों जहाज बन गया। फिर एक दिन अपने अड्डे ते टेक के तबाह हो गया। बची पट्टी खोल दिती। मैं नहीं खोली, आप डिगी हुई। मैं इस बेवा नाल व्याह करांगा। मैं एदा सहारा बनांगा। मैं अपना बुढ़ापा इनू गिफ्ट करांगा। की नाम सी बिहिश्ती दा? अल्लाह रखा। मेरा नाम अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा और कोई नहीं है? तू नहीं, तुसी कल्ले आयो। मलक दी मां नू मरे वरे बीत गए ने। मैनू पता है बेवकी दा दुख की हुंदा है। रातां नहीं लंघदियां। हाय हाय हाय। तारे गिनने पैंदे ने तारे, कदी वध जांदे ने कदी घट जांदे ने। आए चन्न नूं वेखना पैंदा, शेर पढ़ने पैंदे ने शेर, अजीबो गरीब शेर। गैन गमां दा इंजन तैयार होया, छू छू ना होवे ते की होवे। बैन मलंग ते निकले धुआं, अल्लाहू ना होवे ते की होवे। बैन अंग्रेज ते करन काउंसल, वन टू ना होवे ते की होवे। एदे नाल व्याह करा मौला, राजी रू ना होवे ते की होवे। बड़े शेर सुना रहे हो बुजुर्गो, कुछ साढ़े भी शेर सुटो। बैन अंग्रेज ते करन काउंसल, वन टू ना होवे ते की होवे। ओहो। जिस मकान विच ए जम्मिया, ओथे थू थू ना होवे। माफी चाहना तेरा हिस्सा ए हुई।
ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਆਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੀ ਅਰੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਕੌਣ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਉਣ, ਹਾਏ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰੇਸ਼ਮਾ। ਰੇਸ਼ਮਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਣਾਵੀ ਤੇਜ਼ ਪਰ ਆਵੀ ਸੁਸਤ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਬਰ ਕਿਸਮ ਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀਓ ਕੇ ਪੀਛੇ ਭਾਗਤੇ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਭਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਭਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੀਹ ਮੁਰੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣੀ, ਤੀਹ ਮੁਰੱਬੇ। ਤੀਹ ਮੁਰੱਬੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ। ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿਆ ਦੇਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਮੰਗਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੋ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਈ ਸਪੰਜਰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਮੇ ਚਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਚ, ਜੇ ਬਾਗ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਯਹੀ ਕਹੇਂਗੇ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਲਾਰੀ ਅੜੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ? ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਮਾ ਵਾਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਲਗੀ 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 ਪਰੇ ਮਾਰਸੂ ਮਾਰਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਬਾਬਾ।
ملک نچتا تو پیچھو لگتا دو شیخ آپس چگلیاں کر رہے ہیں پنڈ والی زمین ویچ کے تو یادگار دے کول لو پلاٹ ملک صاحب اللہ نے جنہ تعین قد دیتا بارڈر تے جاؤ اوتھے بارڈر تے جالا لگا ہے ملک صاحب کدے ساڈے گھر آؤ تہن ککڑ نال ککڑ دی لڑائی وکھائیے کی بکواس کرن دے ہیں تہاڈے گھر ککڑ ہوے تے تسی سرخی لا کے گلیاں چ پھرو چل جی کرانی تھلے ڈانس والے پیر دے کرو شہر لاہور ڈبیاں
ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਝੁੰਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਆਮ ਮਰਾਸੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਢੋਲਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਮਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਹੋ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉਸਤਾਦ।
ਇੱਟਾਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਾਇਮ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਗਾੜਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਅਜੀ अपने कपड़े पाड़ के तेरे इल्जाम लावा। मैं तेन हूं कैर कुड़ी कोई खुसरा कोई मरासी वड़े मैं तेन कौन है? अगर तो मेरा भरा रहना कैन सही दे पैसे फड़ा, चपेड़ मार के मुंह सफेद कर दे। अद्धी मखलूक दे हाथ चुके जे प्यो दे हुण मार के वहा लै, जे मां दे हुण मार के वहा लै, जे दुआ दे हुण मार के वहा। तू अगे आ भाई, और जा करना इतनी बड़ी है, थोड़ी जोर दे दो, मैं दूर जाना है यार। सारे तेरी बिस्ती करते ने, हां यार, जे तू मुसलमान ही हो जा। जी मर साहब, अभी बोल क्या की आ देखो खुसरा की तबाही करेंगे आज। सुल्तान डाकू वेख्या, मलंगी डाकू वेख्या, लेकिन मलक डाकू खूब बड़ा जवान मलक। हां बड़ी मोहब्बत कीमत नहीं रखी थी। हां जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਓ ਨਾ ਮੁੰਦਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿਓ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਦਿਓ ਘਰ ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰ ਭਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਰੱਬਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਣ ਆ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਡਰਾਓ ਯਾਰ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਧੀ ਜਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੌਣ ਜਾਏ ਆਦਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰੇ आप ही कोठी के गेट के सामने हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं लानत भेजती हूँ कील पर। आप ऐसा करें किसी मुलाजिम को भेज के टायर चेंज करवा दीजिए। निकाल दिया क्या बड़े मियां? सुन लो, मैं सुन नहीं अंदर जाके बहुत। बाबा जी आपको टायर चेंज करना आता है? हाँ जी, मलक साहब ने सारी जिंदगी गड्डियां रखी है, वो ड्राइवर साहब पे टायर है देख लीजिएगा। मैं आपका दिल तकलीफ की हम बड़े मियां का घर के रखा ख्याल रखिए। जी दरअसल हम आपके पास जरूरी काम से आए हैं। ये काम आए हो जी?
ये मेरी शादी का कार्ड है, आप जरूर आइए भाई साहब।
मैं लालू पे कहूं भाई साहब पे आदो ये छाती के साथ माशाल्लाह ये इधर उधर हो जाओ बड़िया तारीफा तड़िया कहते मेरे सामने पैसे देते बड़ी गल अपना सीमा गया सीमा का गया मैं तुम की दसा तड़ी तारीफा मैं सीमा के घर गया कहता प्यो खोता मैं क्या सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम गिरफ्तार करना है मैं जा यार कहना तेन तेन हथ घड़ी लाने लग पाया मेनू हथ घड़ी ला दी मेन तुझी जावे कहे चल थाने चल थाने तुझी जावे फिर अल्लाह हाफ़िज़